मेरी लाइफ एक बहुत बड़ा कहानी है। She fights like a lion. मेरे करियर में मुझे तो डॉक्टर अच्युत समंता ने बहुत मदद किया, बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मैं आज यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ। Really, she was having a wonderful time in 2014. We are about to land up in a medal in Asian Games. So as I said, 1.5 years she was not having training, and there is no surety about to continue or not. Even life, as he was telling, life was in threat. Somebody was telling even she may lose job. जब मैंने ज़्यादातर के कोरियन के टाइम में जब मुझे सब ने छोड़ दिया था, इस टाइम में मुझे सामने मुझे बहुत मदद किया था। जब वो उस टाइम में मेरा वो कैंप से निकल गया था और जब से बिल्कुल मुझे कोई बोल रहा था कि तुम्हारी जॉब की चला जाए, इस टाइम में सामने से मुझे कहा था कि तुम्हारा वो पहले सपोर्ट कर रहा था, अभी भी करूँगी, तुम्हारा कोई जॉब चाहे तो फीस में तुम कुछ अपने लगा और तुम्हारा हमारे जितना फीस बचा लगा इनको तुम पहले लगे कि तुम यहाँ कोई बन सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा हिम्मत आया कि बुरे टाइम पे जो मदद करता वही मेरे भगवान होते हैं मेरे लिए। मैं इसलिए सामने से मेरे भगवान को मानता हूँ हमेशा, और वही सामने जो जो बताया था मुझे वही अच्छा चीज़ मिला। सामने बताया तुम ठीक है तो तुम्हें कोई कभी ना कभी फिर से तो लौट होगी ट्रैक को और फिर से तो अलग से जाओ, वही बात है सब हुआ। इसलिए धन्यवाद दूंगी। टाइम लग तैयारी करने के लिए इतना टाइम लगे, वो टाइम नहीं पड़ता, नहीं है। ट्राई कर रहा हूँ मैं अच्छा करने के लिए, देश के लिए तो कभी ना कभी मेडल लेऊंगी, मैं ऐसा उम्मीद है मेरा। गुड इज द कॉम्पिटिशन, बेटर इज द परफॉर्मेंस। यू सी हर चार्ट, there is a 0.2 second difference between domestic and international competition. First in 2013 in Chennai she ran 24.04 200 meters, she came second in the senior nationals. After 1 month we had Asian track and field in Pune, she did 23.76 coming bronze in senior Asian track. So 24.04 to 23.76, from there she traveled to Ukraine for youth world championship. That was the first Indian girl to reach finals and came sixth with 11.60. in my 20 years of coaching career, I saw a girl who loves to compete rather than train. And people may run for winning, but she run for life.